बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम भाई। मैं इसके मतलब पहले एक दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ना, अच्छा आपको पता है कि हाजी आज मीना में जा रहे हैं और कल लाजम मीना में पहुँचना है। और कल मंडे वाले दिन ट्यूसडे यानी कि मंगल वाले दिन तो आपको पता है हज पढ़ा जाएगा और बुध वाले दिन तो सऊदी अरेबिया में ईद है जी। अच्छा मैं इसके मतलब पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं यहाँ पर लिखा क्या हुआ है जी, सुन लें। 1,59,000 एक है जी, 83 बंदे एक हैं जी, और 5,870 बंदे एक हैं जी, 9 अफराद एक हैं जी। कौन से मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं ये तमाम वो भाई हैं जी जो ये गलती कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में अपलोड की थी यानी कि आज से तकरीबन 2 माह पहले की अगर बात कर लें, तो उस टाइम मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था अगर कोई बंदा चोरी से हज करना चाह रहा है तो वो भाई 15-20 दिन पहले अगर मक्का में इंटर हो जाए कोई परमिट तस्री वगैरह बनाकर, तो यानी कि मक्का में एंट्री की हज की नहीं, हज की तस्री तो 3500 रियाल से तकरीबन स्टार्ट हुआ था काम। तो 3500 रियाल वाला पैकेज तो भाई 2-3 दिन में बुक हो गया था, और उसके बाद मक्का में क्याम करे और हज के दिनों में मक्का से हज कर ले चोरी। लेकिन हुआ क्या, सीन क्या है, मैंने उस वीडियो में भी ये इस चीज़ से आपको हाईलाइट किया था कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि हमारे बंदे पकड़े गए थे मक्का से हज के लिए निकले थे घर से ही और वहाँ शौकिया से, और रास्ते में एक बंदा पकड़ा गया, एक भाग गया। बहरहाल ये मैं आपको पहले बता दूं जी कि अगर कोई बंदा किसी को गाड़ी में बिठाकर हाजी जिसने अहराम बांधा हो और उसके पास तस्री ना हो उसको ले जाते हुए गिरफ्तार हो जाए तो उसके ऊपर भाई 50,000 का फाइन है, और पर पर्सन के हिसाब से अगर 4 बंदे बैठाए हुए तो 2,00,000 का फाइन होगा, और 6 माह की कैद है और गाड़ी उसकी पकड़ी जाएगी और गैर मुल्की हुआ तो डिपोर्ट है। अभी आपको तफसील बता देता हूँ। मैं आज देख रहा था जी, आज बल्कि ये कन्फर्म न्यूज़ है सऊदी मीडिया की तरफ से कि 16,26,000 प्लस में आजमी ने हज भाई मक्का अल मुकरमा में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मीना की तरफ सफर जारी है। कल मीना में क्याम होगा, और अगर बात करें ये जर्मानों के मुतल्लक गिरफ्तारी के मुतल्लक, तो इसमें भाई सबसे पहले बगैर परमिट बगैर तस्री के, यानी कि जिनके पास तस्री वगैरह नहीं थी मक्का में एंट्री होने की, या हज की तस्री या परमिट नहीं था मक्का में एंट्री का, तो उनको भाई वापस किया गया ना, जिनको 1,60,000 तकरीबन 1,60,000 बनते हैं जी। और ये वो बनते हैं जो एहराम के बगैर ताइफ चौकी मक्का चौकी से इंटर होते हैं, जो तफ्तीश लगी हुई है ताइफ में, ताइफ की तरफ से आएँ या आप जद्दा की तरफ से जाएँ तो वहाँ से किधर जाना है जी, मक्का में जाना है, परमिट है नहीं तो यहाँ से वापस जाएँ, यानी कि आप मक्का में इंटर नहीं हो सकते। अगर आप उनको ये बोल दें कि मैंने ताइफ में जाना है, आपको पता है हम जद्दा से अगर आएँ तो हम ताइफ, या ताइफ से अगर आप जद्दा में जाना है तो मक्का से होते हुए भी चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं जी ये सेल, ये जो सेल कबीर और सकीर वाला रोड है ना, ये फकत ये गैर मुस्लिम ईद वाला, ये पकड़ें इधर से जाएँ, वो गाड़ियाँ वापस भेजते हैं। तो 1,60,000 बंदे वहाँ से वापस भेजे गए। इनमें भाई बाहर से आने वाले 83 यानी सिर्फ 83 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा ये वो बंदे गिरफ्तार हुए हैं जो अहराम बांध कर, जिनके पास हज की परमिशन नहीं थी, हज की तस्री नहीं थी, अहराम बांध कर मक्का में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे किसी चोर रस्ते से कहीं से भी, तो वो गिरफ्तार हुए हैं जी 83 बंदे सिर्फ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, जो इंटरेस्टिंग चीज क्या यार, मुझे हैरत हुई इस चीज के ऊपर, वो क्या, मक्का के अंदर से जी, आप अगर जो पुराने भाई हैं वो बाखूबी जानते हैं, हम अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम मक्का के अंदर चेकिंग नहीं होती थी। मीना के अंदर हाजी बैठे हुए हैं या मक्का के अंदर हाजी घूम रहे हैं तो कोई शुरता उनको चेक नहीं करता था, बाहर चेक पॉइंट्स जो लगी हुई हैं वहाँ पर चेकिंग होती थी। लेकिन मक्का के अंदर जब आप पहुँच गए फिर आपको कोई बंदा चेक नहीं करता था, आपने अहराम बांधा हुआ कोई आपको पूछता नहीं था हाँ भी परमिशन है या नहीं है। लेकिन अभी भाई बिल्कुल इसके बरक्स है, वो क्या जी 5,800 तकरीबन 6,000 ही बोल रहे हैं आप, ये वो बंदे गिरफ्तार हुए हैं जी जो मक्का के अंदर से अहराम बांध कर या मक्का के अंदर अहराम बांध कर हाजियों में घूम रहे थे, तस्री चेक की और नहीं मिली है तो पकड़ लिया जी। अच्छा इसके ऊपर सजा क्या है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। और 9 अफराद वो गिरफ्तार हुए हैं जो गाड़ियों में हाजियों को ले जाते हुए, अभी ये 9 जो इनकी सज़ा मैंने आपको बता दी है, पर पर्सन के हिसाब से 50,000 और 6 माह की कैद और साथ में गैर मुल्की हुआ डिपोर्ट और गाड़ी भी जब्त। अच्छा अगर आप जैसा कि ये 6,000 तकरीबन मक्का के अंदर से और 83 या 85 बंदे बाहर से आते हुए गिरफ्तार हुए हैं जो आजमी ने हज, यानी कि जिनके पास तस्री वगैरह नहीं थी, इनके भाई फिंगर हो जाएंगे, इनके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना शो हो जाएगा, 10,000 रियाल का जुर्माना इनके ऊपर शो हो जाएगा,
और जब तक ये जुर्माना पे नहीं ना करेंगे उस टाइम तक भाई ये ना तो इनका इकामा तजदीद होगा ना इनका किसी सफारा वगैरह से या कहीं और से खरूज लगेगा। शुरता भी इनको अगर पकड़ेगा तो वो भी छोड़ेगा, इनको वो डिपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा पहले 10,000 पे करो। ये चीज़ है, तो अभी इनके ऊपर 10,000 का फाइन होगा जो हज के दौरान पकड़े गए हैं अहराम के अंदर। हाँ, आप अहराम के बगैर मक्का में इंटर होते हुए जा रहे हैं तो वो आपको सिर्फ वापस करेंगे, आपको भाई वो पकड़ेंगे नहीं। ये एक चीज़ है, इसमें भी एक चीज़ है जी, लास्ट में सुनते जाए, अगर आप कपड़ों में जा रहे हैं और आपको वापस भेज दें तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप इंटर हो गए तो फिर ठीक है जी, फिर वहाँ पर जाकर आप मस्जिद आयशा से खरीद लें अहराम और अहराम बांधकर हाजियों में घुस जाएं, आपकी किस्मत, अगर आप हाथ लगे तो हज कर लेंगे, लेकिन उस सूरत में आपके ऊपर दम होगा जी, यानी कि आपको एक दो बकरे देने पड़ेंगे।